हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आपने अगर हमारा मदर्स डे का पार्ट वन देखा है तो आपको पता होगा कि हमने मदर्स डे स्पेशल में कुछ रेसिपीज बनाई थी। वो आप वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई पर क्लिक करके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा मैंगो डेजर्ट और पास्ता जी, व्हाइट सॉस पास्ता हमारा रेडी है। तो ये ही रेसिपी आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये हमारा पिज्जा बेस रेडी हो गया है। हल्का सा इसे हमने ओवन में बेक कर लिया है। तो गाइस, हम अपना चोकलावा का बैटर रेडी करते हैं। तो मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर रही हूँ। तो लावा केक के लिए यहाँ पे आस्था ने लिया है 7 से 8 चम्मच मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, और साथ ही इसमें डाल रही है 8 चम्मच पाउडर शुगर, यानी कि पिसी हुई चीनी। तो मैदा और पाउडर शुगर इक्वल क्वांटिटी में लेंगे। और इसी के साथ इसमें डाल रही है आस्था 6 चम्मच के करीब है यहाँ पे मिल्क पाउडर। गाइस, अब मैं इसकी दूसरी क्रस्ट तैयार कर रही हूँ। इसके ऊपर हम स्पैड लगाएंगे और ऊपर से जो हमारे ये बेक किया हुआ क्रस्ट है ये लगाएंगे, और जो भी हमें वेजिटेबल्स वगैरह लगानी है वो सब इसमें लगाएंगे। और इसी के साथ इसमें मैं मिला रही हूँ 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, और 3 से 4 चम्मच इसमें मैं मिला रही हूँ गुड क्वालिटी कोको पाउडर। तो ये मेरा कैडबरी कोको पाउडर है, अनस्वीटेंड, हर्शीज या कैडबरी, आपको जो अच्छा लगे आप वो कोको पाउडर इसमें डाल सकते हैं। 100% कोको, डार्क कोको पाउडर होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर आस्था यहाँ पर इसे छान लेगी, उसके बाद इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो अब मैं इसमें लगा रही हूँ स्प्रेड। तो हमारा चीज बर्स्ट पिज़्ज़ा के लिए यहाँ पे हम इसमें डालेंगे स्प्रेड, चीज़ स्प्रेड, और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ इसमें डाल रहे हैं। आप अपने पसंद का कोई भी चीज़ इस पर डाल सकते हैं, मैं मोज़रेला डाल रही हूँ। अब इस पर डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़ फाइनली, ताकि हमारा पिज़्ज़ा में अंदर से भी चीज़ बर्स्ट हो। ऊपर का बेस हम हल्का सा बेक कर लेंगे और नीचे का बेस हमारा कच्चा रहेगा, और जो नीचे वाला बेस है वो ऊपर वाले बेस से थोड़ा सा हमें बड़ा रखना है। अब इसके ऊपर जाएगा हमारा ये बेक किया हुआ क्रस्ट, साइड से इसे थोड़ा लॉक करेंगे, साइडों से इसे अच्छी तरह से सील कर देंगे ताकि इसके अंदर हम चीज़ और स्प्रेड डालेंगे तो वो अच्छी तरह से लॉक हो जाए, ये हमारा चीज़ बाहर मेल्ट ना हो। अब इस पर मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। तो अब मैं इसमें लगा रही हूँ स्प्रेड। अब इस पर हम अपनी वेजिटेबल्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कैप्सिकम है, ऑनियन है, ग्रीन कैप्सिकम है, बस वेजिटेबल्स ही कर दोगे क्या? इसके मतलब थोड़ी तुम्हारे पति को पसंद है तुम पूरे पिज्जा में वेजिटेबल्स ही भर दोगी। तो थोड़ा सा इस पे डालेंगे नमक, ऑलरेडी बेस में भी नमक है इसलिए थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, सम चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी ओरिगैनो, ओरिगैनो, नेक्स्ट हर्ब, ये आप ऊपर से सीजनिंग में भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ हल्का हल्का। और फाइनली इसमें जाएगा खूब सारा मोज़रेला। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ के साथ चेडार चीज़ भी डाल सकते हैं मिक्स करके, दिखना तो चाहिए ना वो ऊपर जब मेल्ट होके आ जाएगी तब डाल देना, थोड़ी सी लगा देते हैं कहीं कहीं। और मैं जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो खूब सारी इसमें वेजिटेबल्स भरती हूँ, तो थोड़ी सी वेजिटेबल्स में ऊपर से भी लगा रही हूँ ताकि ये देखने में भी कलरफुल लगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इस पर डाल सकते हैं। तो अभी जाएगा ओवन में, और मेल्टेड चॉकलेट के लिए यहाँ पे मैंने लिया है कंपाउंड चॉकलेट, डार्क कंपाउंड,
आप मिल्क कंपाउंड भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है 4 चम्मच बटर, तो आप ये डालो, मैं मिक्स करती हूँ, ठीक है। और 4 चम्मच ही पाउडर शुगर और 10 से 12 चम्मच के करीब हमारा ये गनाश है। यार मम्मी तो बड़ा टफ है माँ, माता जी बैटर बढ़ा रहा है, मैं तो आज ही कर रही हूँ भाई, इतने दिन बाद। आप पता नहीं डेली कैसे करते, मुझे नहीं पता। स्ट्रांग वुमन मदर्स डे, थोड़ा सा दूध और डाल लेते हैं, थोड़ा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए हमारा, इस तरह का बैटर होना चाहिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी का। मैं दिखा देती हूँ, वाइट होगा, ठीक है। और केक के लिए इस तरह का बैटर चाहिए हमें। ओके, इसके मोल्ड्स ले आओ जो हमने फ्रीजर में रखे थे। से कोको पाउडर से डस्ट करना है, इसमें बड़े सारा ओके। तो अभी बड़ा मोल्ड, तो गाइस हम इसको ना आधा फिल करेंगे, हाफ फिल करेंगे, क्योंकि ये ऊपर भी आएगा अभी, क्या बोलते हैं उसको, बेक होने के, हाँ बेक होने के बाद थोड़ा फूलेगा भी ना ये, इसलिए इसमें डालेंगे चॉकलेट। आप बिना चॉकलेट फिल करे भी इसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे लेकिन मैंने इसमें चॉकलेट फिल करी है, ये 100% प्योर चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट, वो मैंने थोड़ी सी बीच में डाल दिए ताकि और भी टेस्टी लगे हमारे चोकोलावा केक्स। तो गाइस हम इसमें ऊपर से थोड़ा और बैटर डाल देंगे, इसको ढक देंगे चॉकलेट जो हमने भी डाल दिया अच्छे से। तो गाइस हम इसको टैप करेंगे ताकि जो भी बबल्स हैं वो सेट हो जाएंगे, है ना। जब हम अपने चोकोलावा केक्स को बेक करेंगे अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे, हिंदी में 180, हाँ 10-15 मिनट्स के लिए। तो गाइस हमारा पिज्जा एकदम रेडी हो गया है, जमी हुई है। हमारे चोको लावा केक बेक हो चुके हैं, आई होप इसमें से लावा निकल के आएगा। तो गाइस ये है हमारा व्हाइट सॉस पास्ता और ये है हमारा पिज्जा। और ये हमारा चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा तैयार है, इसके अंदर से भी चीज़ बर्स्ट हो रही है, एकदम चीज़ी है ये अंदर से। ये देखिए हमारी चीज़ किस तरह से बर्स्ट हो रही है इसमें से। तो ये हमारा स्पाइसी वाला प्लेटर, अब वो होगा स्वीट। वाओ यम्मी, वाओ पीस बड़ा अच्छा लग रहा है। चोकोलावा केक
और गाइस ये है हमारा चोकोलावा केक। वैसे इस वक्त सब कुछ ठंडा हो चुका है, हमारे चोकोलावा केक्स भी ठंडे हो चुके हैं। वैसे जब ये गर्मा गर्म थे तब मैं आपको दिखाना भूल गई, लेकिन आई होप अभी भी इसमें से थोड़ा सा लावा निकल के आएगा, क्योंकि एक बार चोकोलावा केक ठंडा हो जाता है तो उसमें से लावा फूट के नहीं आता है। पैदा वैसे ठंडे हो गए हैं, जब गर्म थे ना तब लावा नहीं देखा अभी। तो गाइस ये रहा हमारा लावा, ठंडा हो गया है ठीक, इसलिए। और ये हमारा बड़े वाला जो हमने बाउल में बनाया था केक। और यहाँ पे आस्था हमारे टोटल फाइनल प्लेट्स की पिक्स ले रही है, वीडियोस बना रही है। तो गाइस हमारे मील एकदम रेडी हो चुका है। तो ये था हमारा रेसिपी कम क्या बोल सकते हैं, कुछ मील है ना। तो रेडी हो गया, टेस्ट करके देखते हैं कौन सा लगा। नहीं वाला पहले मैं आपको खिला दूँ, मदद देना। मेरा फेवरेट ये है मैंगो केक, ये तो मुझे भी ट्राई करना है, ये कैसा बनेगा। बहुत टेस्टी है। आप भी खाओगे? खा लो। नहीं अभी नहीं, समर के हिसाब से अच्छा है, गर्मी में ना ठंडा ठंडा ही मजा आया। पिज्जा कैसा बना दिखा के देखते हैं। ठंडा हो गया वैसे सब कुछ। हाँ वीडियो बनती है ना। बीच में चीज आ रही, मजा आ रहा है। टेस्टी स्पेगेटी भी टेस्टी है, ये भी खा के देखते हैं। मिठाई लिया एक चम्मच। तो गाइस मैं खा के देखती हूँ अपना क्रीमी स्पेगेटी पास्ता, ये कैसा है। और तो नहीं सब कुछ यम्मी। ओके गाइस, तो ये था हमारा मदर स्पेशल एपिसोड। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और जितने भी हमने रेसिपीज यहाँ पे ट्राई करी हैं आप भी इन्हें जरूर ट्राई करें। सो वीडियो फाइनली सक्सेसफुल हो गई, अब मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। और हैप्पी मदर्स डे। हाँ हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द वुमेन्स। मुझे नहीं लग रहा था लावा निकलेगा, निकल तो नहीं गया, निकल जाएगा थोड़ा बहुत। चीज कम नहीं लग रही आस्था, थोड़ी सी और डाल लो। पहले एक बार दोबारा दिखाएंगे ना जब हम, तो ऊपर से डाल के ना फिर वो ऐसे करेगी ना जिंग जिग जिगली जिगली। क्या समझता है आप, वो ही बना सकता पिज्जा। तो मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं बोल रही थी कि आज मैं मेहनत कर रही हूँ मदर्स डे के लिए, तो एक लाइक तो बनता ही है यार, करना चाहिए आप लोगों को। फिर से बोल। So guys, शूट करना इज वेरी डिफिकल्ट। मैं तो कभी कभार आई हूँ, मतलब लाइक मैं लास्ट ईयर आई थी फादर्स डे पर बनाने के लिए, और मैं अब आई हूँ, तो बहुत डिफिकल्ट है शूट करना। बट इट इज़ टू टफ के वीडियो रिकॉर्ड करना, शूट करना वीडियो पूरा, सारे रेसिपी इंग्रेडिएंट्स भी कई बार भूल जाते हैं बट फिर बाद में याद आता है, तो बहुत स्ट्रगल करती है। और मम्मी मेरी इतनी मेहनत करती है शूट करती है वीडियो, सिर्फ आप लोगों के लिए रेसिपी शेयर करते हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ये हमारा मदर्स डे स्पेशल वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।